Hi friends, welcome to my channel Avian Glory. So today we learn about the chapter family. यानी हमारे family में कौन कौन से सदस्य होते हैं और वो हमारे क्या लगते हैं, जैसे parents, grandparents, uncle, aunt, cousin, brother, sister. आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे. Let's start now. So what is today's chapter? This is my family. Let's complete the words, okay? तो ये जो है एकदम fill in the blanks जैसे दिया है, इसमें क्या है family members के जो spellings वो क्या fully complete नहीं है, इससे हम क्या करेंगे पढ़ कर complete करेंगे, okay? तो first क्या है, तो इसमें क्या है two dash दिए गए हुए हैं and इस dash में क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है? तो देखो ये कौन सी spelling बनेगी, F A T, फिर H, E, R, तो ये क्या बन गए, फादर मतलब पापा जी, पिताजी, है ना? तो F A T H R, फादर, ओके. फिर देखो नेक्स्ट सेकंड, इसमें जो क्या है थ्री डैश दिए हुए, अब ये स्पेलिंग क्या बनेगी, M O T H E R, तो ये कौन सी स्पेलिंग बन गई, मदर यानी माँ, मम्मी जी, है ना, मम्मा जी, इन्हें हम क्या कहते हैं, मदर, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट थ्री, इसमें जो है कितने डैश दिए गए, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव डैश दिए गए, अब इन डैश में क्या आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है? तो G R A N D, फिर F, फिर A, T H E, फिर R, ठीक है? ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट फोर्थ, इसमें कितने डैश दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं फाइव डैश, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव डैश दिए गए हैं. तो जी आर ए एन डी एम ओ, फिर बताओ टी, हाँ टी, फिर तो एच एफ, फिर बताओ एच ई आर, ओके, ग्रैंड मदर यानी दादी जी, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट फिफ्थ, ये कौन सी स्पेलिंग बनेगी, बी फिर आर ओ टी हैच फिर ई फिर आर, ये क्या बन गया, ब्रदर यानी भैया, ठीक है, भैया भाई, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट सिक्स, ये क्या स्पेलिंग बनेगी, एस आई एस T E R, सिस्टर यानी बहन, दीदी, है ना? तो जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों सीब्लिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं. एंड जो हम भाई बहन होते हैं वो अपने पापा के जो होते हैं, बहन क्या होती है, डॉटर होती है. एंड जो ब्रदर होता है वो क्या होते हैं, सन होते हैं, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट सेवन, ये कौन सी स्पेलिंग बनेगी, यू एन सी एल ई, अंकल यानी चाचा जी, ठीक है? फिर देखो एट, एट यू ए यू एन टी आंट, आंट यानी चाची जी. फिर नाइन्थ है सी ओ डैश 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 एन, इसमें थ्री डैश है, तो सी ओ यू फिर S, फिर I, फिर N, कजिन, ठीक है? कजिन जो हमारे चाचा जी के जो सन और डॉटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं, ओके? और जब देखो कोई भी ब्रदर होता है एंड सिस्टर होते हैं, उन्हें कोई भी पूछता है कि आपको जो भाई हो, आपका सगा भाई, तो हमें कहना है हाँ, हमारा जो भाई होता है ना वो हमारा सगा भाई होता है, यानी हमारा अपना भाई होता है, ठीक है?
मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।